तुम लोग क्या क्या कर रहे हो यहाँ पे? हराम को तोड़ने आया क्या? खाली कलम चलाने जाता है? अरे बच्चे को करके सस्पेंड एक मुझे मामला हुआ उस दिन 15 तारीख में, इनके पास परमिशन नहीं थी। 16 तारीख की परमिशन थी और ये 15 तारीख में किसकी परमिशन से कैंपस में? अगर आपको परमिशन भी दी गई तो आप बच्चों को हटाते ना क्या? बच्चों पे वहाँ जाके आप टियर गैस से आप अटैक कर रहे हैं, ये आपको इजाज़त किसने दी? आपके पास इजाज़त कैंपस में आने की 16 तारीख की थी। ये सबसे बड़ा सवाल उठा रहा है प्रशासन के ऊपर, AMU और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। जब 16 तारीख की आपके पास परमिशन थी तो आप 15 तारीख में किसकी परमिशन से एंटर हुए? और दूसरी बात, जिस तरीके से दो दिन पहले सिपाही जो पकड़े गए हैं, जो पिछले 6 महीने से इलीगल यहाँ रह रहे थे, वो किसकी पर रहे थे? असामाजिक तत्व हम हैं या ये लोग हैं? पुलिस वाले यहाँ रह के ड्रिंक कर रहे हैं और NCC ऑफिसर बिना परमिशन के रह रहे हैं, तो इसका जवाब पुलिस प्रशासन दे और VC साहब ने जनरल डायर इसका जवाब दें कि वो किसकी इजाजत से यहाँ रह रहे हैं। देखिए, प्रोक्टोरल टीम पे दबाव इसलिए बना क्योंकि कल 9:58 पे एक बच्चे के साथ एक टीम आई थी, उन्होंने उसको उठाने की कोशिश की गई। हम लोग जब वहाँ पहुंचे तो हमने मुस्तकिल प्रोक्टर साहब को फोन किया, प्रोक्टर साहब वहाँ नहीं आए। 2:30 प्रोक्टर साहब वहाँ आते हैं और कहते हैं सर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते आप रिजाइन दे दीजिए, आप किस लिए रुके हुए हैं? आपने जूता जो उछाला था क्या वजह रही थी? देखिए, जूता तो बहुत छोटी चीज़ है, इन लोगों का बाइकआउट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जैसे VC साहब, जो 15 तारीख में मामला हुआ, 15 तारीख से पहले मैंने 29 तारीख में एक पोस्ट लिखी, जनरल डायर की जनाजे की नमाज़ पढ़ाई जाए क्या, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बनाया, उसको लेके वो नहीं आए। लेकिन उन्हें जनरल डायर वाली बात इतनी चुप गई वो धरने पर आके कह रहे हैं कि फोटो किसका है और उसमें जनरल डायर कहा जा रहा है। मैं जनरल डायर नहीं हूँ तो मैं कहना चाहूँगा आप जनरल डायर थे, आप जनरल डायर हैं, आप जनरल डायर रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक बच्चे का हमारा हाथ गया है पूरी तरीके से और एक दो तीन लड़के उसके अंदर इंजर्ड हुए हैं, वो आप ही के फेल्यूर की वजह से हुए हैं। वही तो बता रहे हैं जो 15 तारीख में एपिसोड हुआ था, ये कल जो VM में पुलिस वाले जो भी कोई थे जिन्होंने अपहरण करने की कोशिश की थी, अगर हमारे भाई को अपहरण करके ले जाते तो आप उस वक्त कहाँ थे? तो आप जूते थे पिटने के लायक नहीं है। आज मैंने जूता उतारा, मैं तो कहूँगा जो इनको मिले इन्हें बाबे सही से बाहर कर। पुलिस फोर्स को एंटर करवाया गया कि एंटी सोशल एलिमेंट कैंपस के अंदर हैं। लेकिन कल जो हुआ, कल अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस है आधे घंटे बाद, उसमें कुछ चीज़ें डिटेल मिलेगी आपको सारी, और उसमें पुलिस के दो लोग अंदर बैठे हुए हैं, शराब पी रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम 1 साल से अंदर आ रहे हैं, और दो लोग VM हॉल के अंदर घुस जाते हैं। तो ये जो सिक्योरिटी लैप्स है, इसके लिए तो FIR भी नहीं करते प्रॉक्टर साहब, और स्टूडेंट पे अटैक करवाने के लिए वो पुलिस को अंदर बुलाते हैं और बुरी तरीके से ब्रूटली अटैक करती है पुलिस, पूरी हेट वाली जो पॉलिटिक्स है वो नज़र आती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस्लामोफोबिक चीज़ें हैं और इसको लेकर के हमारे दिल में गुस्सा है। अब वो उसके बीच में अगर प्रॉक्टर आएगा तो प्रॉक्टर से भी गुस्सा है, वाइस चांसलर आएगा वाइस चांसलर से भी गुस्सा है, रजिस्ट्रार आएगा तो रजिस्ट्रार से भी गुस्सा है, और यही रीज़न था जो आज हॉट टॉक प्रॉक्टर से हुई है, उसके पीछे यही रीज़न है कि प्रॉक्टर एंटी सोशल एलिमेंट पे तो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज कराने के लिए रजिस्ट्रार ने भी, वाइस चांसलर ने भी, प्रॉक्टर ने भी, सब ने अलाउ कर दिया पर पुलिस को अंदर, और हॉस्टल के अंदर घुस के मार के गए, अभी तक FIR तक नहीं हुई। हाँ, पॉसिबिलिटीज़ पूरी हैं और ये लोग चाहते हैं कि धरना ख़त्म हो जाए, और ये मूवमेंट ऐसे ख़त्म होने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ से पूरे देश को जगाने का काम करेंगे। हमारा प्लान सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ बैठे रहेंगे हम लोग धरने पे, हम लोग शहर भर में इस तरीके के धरने लगवाएंगे, 24 घंटे के धरने लगवाएंगे, इसके अलावा दूसरे शहरों में भी लगवाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, लोगों को अवेयर करेंगे NRCCA और NPR के लिए। हम लोग बार बार रोडों पे निकलने वाले नहीं हैं क्योंकि ये आखिरी नहीं है, इसके बाद UCC आएगा, हमें फिर रोड पे निकलना पड़ेगा। वी वॉन्ट एन परमानेंट सॉल्यूशन।